हेलो, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आज है संडे और संडे का मॉर्निंग है। नहा धो के बस एकदम से तैयार हो गई हूँ। अब चलिए करते हैं पूजा पाठ, फिर बनाऊंगी नाश्ता चने का। चलिए फिर लग जाते हैं काम में। आप सब प्लीज़ बने रहिएगा। विश्वेश्वराय नर कर्ण अवतारणाय कर्णामृताय शशि शेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षे मामृतां। देखिए घर की पूजा हो गई, फिर मंदिर जा रही हूँ। मंदिर से आने के बाद हर जगह पूजा पाठ मैंने कर ली है। और संडे के दिन ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी आज। पराठा पूड़ी सीधे चना मैंने कल रात को भिगो दिया था, तो मन है इन सबका कि चना मम्मी तलो, तो चना तल के दूंगी। उसके बाद फिर खाना बनेगा पूड़ी पराठा। इस दिन बैन रहता है क्योंकि मैं कितना भी कहूँ कि रोटी बना के बच्चों को दे दूँगी, वो बच्चे लेके ही नहीं जाते रोटी स्कूल। पूड़ी पराठा ही बनाना पड़ता है मुझे, या तो चाउमीन मैगी। तो इसलिए संडे का दिन ही ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं बना देती हूँ, जैसे चने वगैरह कुछ। इसे चबैना बोलते हैं हमारी तरफ हिंदी भाषा में। तो आज चबैना बनेगा, और गांव में तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है चबैना। सुबह चाहे घुघरी हो या ऐसी चीज़ें हो जैसे चने वगैरह, या फिर कुछ ऐसे ही नाश्ते होते, वहाँ चाउमीन मैगी बहुत कम बनती थी, अब तो फिलहाल बनती है। खैर एक यहाँ मैं बिन के रख दूँगी चना। खैर एक बात मैं गलत बोल गई, गांव में, गांव देहात से मतलब नहीं होता है। मैंने ये देखा है कि अगर आप एकदम ठेठ बेकार गांव में हैं, फिर भी आप अगर पैसे वाले हैं, तो वहाँ आप बिल्कुल बहुत बड़े शहर जैसे रह सकते हैं। मतलब पैसा मायने रखता है, गाँव देहात शहर मायने नहीं रखता। ये चीज़ें मैंने देखी हैं लाइफ में अपने, इसलिए कह रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने सब चीज़ डाल दिया है और चना तल दूंगी। सबकी छुट्टी है लेकिन हस्बैंड को कुछ काम है तो वो जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो इसलिए देख लीजिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अब मैं सोच रही थी छोला टाइप बना दूँ, तो बच्चे बोले मम्मी आप सब्जी बना दीजिएगा चने की, हमें अच्छी लगती है। तो आज चना आलू की सब्जी भी बनाऊँगी थोड़ी सी, पहली बार बना रही हूँ। चना आलू की ऐसी सब्ज़ी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। ग्रीन चने जो होते थे ना ताजे, जो खेत वाले जिस टाइम मतलब होता है चना, उसकी सब्ज़ी पीस के बनाती थी वो अच्छी लगती, लेकिन ऐसे भिगो के चना थोड़ा मुझे नहीं अच्छा लगता है, स्वाद नहीं आता है। छोले की बात अलग है, लेकिन बच्चे बोल रहे हैं तो आज बनाऊँगी, देखती हूँ कैसी बनती है। हस्बैंड को भी ज़्यादा छोले नहीं पसंद हैं चने वाले, मटर के छोले वो खाते हैं। यहाँ मैं भी खा ले रही हूँ, उन सबको भी मैंने दे दिया है। हस्बैंड गए, उनको बहुत जल्दी था, बच्चे खा रहे हैं उधर। फिर उसके बाद देखिए बच्चे नहा धो रहे हैं, इधर मैं खाना बनाने जा रही हूँ। थोड़ा सा चना मैंने बॉयल कर लिया है, और सारे मसाले हैं जैसे लहसुन प्याज और हरी मिर्च अदरक सूखे मसाले टमाटर सब कुछ मैंने पीस लिया है। आलू को तल लिया है अच्छे से, और चने को उबालो ना तो फिर पकता नहीं, इसलिए मैंने उबाल लिया है। फिर सब्जी इसकी बनाऊँगी, और लोहे की कढ़ाई में ही इस टाइम बना रही हूँ। मेरी दो दो जहाज़ी कढ़ाई हैं, और एक फूट गई है थोड़ी हल्की थी, जो एक बहुत वजन है तो इसलिए नहीं बना पाती हूँ, लोहे कढ़ाई में ही बनाती। इसमें डार्क हो जाती है सब्ज़ी, बच्चों को मेरे देखने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, बोलती है मम्मी आप इससे काली काली सब्ज़ी क्यों बनाते हो, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है कसम से, इसीलिए मैं इसी कढ़ाई में ज़्यादातर बनाती हूँ सब्ज़ी। नहीं तो सब वो एक है काली काली कढ़ाई, उसमें बना सकती हूँ, बट कोई नहीं। देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, गरम मसाला भी, टमाटर लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट, और उबाले जो मैंने फ्राई किए हुए आलू थे उनको भी डाल दिया है। और सब्जी थोड़ी सी लग रही है कम, क्योंकि बहुत यम्मी बनी थी। अभी मैं एडिट कर रही हूँ तब बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी थी, किसी को कम हुई नहीं, मतलब कम पड़ गई है। कभी कभी ना देखने में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती, बट खाने में बहुत अच्छी लगती है। हस्बैंड ने भी कहा कि चने की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, आज मैंने पहली बार खाया तो पता चला। देखिए इसे मैंने भगोने में डाल लिया है जिससे थोड़ा कालापन कम हो जाए, इसी में मैं बलकाऊंगी अच्छे से। नमक डाल दिया है, सारी चीज़ें डाल दी हैं, थोड़ा सा रखा था पनीर मसाला उसको भी मैंने डाल दिया है, तो फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
अब दोपहर का समय हो गया है, हम सब ने खा लिया है, हस्बैंड की थाली है ये, वो अब आए हैं तो उनको खाना दे रही हूँ। अब मेरी शुरू हो जाएगी क्लीनिंग, क्योंकि दिवाली की क्लीनिंग आज से मैं शुरू कर दे रही हूँ। एक एक रूम साफ़ करूँगी, यहाँ से जो बोरियाँ रखी थी ना मैंने हटा दिया है पहले ही, और उसके बाद फिर पूरे रूम में जाले झाड़ूंगी। वैसे बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती फ्रेंड्स, जब एक छोटा घर होता है ना तो हम अक्सर साफ़ करते रहते, क्योंकि उतनी ही जगह होती है, स्पेस कम होने की वजह से हम लोग अक्सर सफाई करते रहते, उतनी गंदगी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप कहीं झाड़ोगे साफ़ करोगे ना तो कुछ ना कुछ धूल मिट्टी मिल ही जाएगी, तो मतलब अच्छे से साफ़ करना है। जैसे सामान देखिए इधर उधर रखे हैं, इनको सेफ जगह में रखने हैं, और ये जो डिब्बे रखे हैं ना ये खाली हैं, तब मैंने बक्से के ऊपर रखा है। जाले भी हैं लेकिन हल्के हैं, निकाल दूंगी। कहते हैं दिवाली में अगर घर एकदम साफ भी हो फिर भी एक सफाई के नाम पे काम करना चाहिए, इससे पॉजिटिविटी मिलती है, घर में आती है, मतलब क्लीनिंग होनी ही चाहिए। आप अगर कर चुके हो साफ है घर, फिर भी कुछ ना कुछ सामान हटा के कर लो, क्योंकि धनतेरस, दीपावली, डिठवनी जो होती है इनमें सफाई होनी ही चाहिए। ये फेस्टिवल आने से पहले सफाई हो ही जानी चाहिए। आप कितनी, और मेरा मानना है घर कितना भी आपका साफ हो, आप अगर सफाई करोगे ना कुछ कूड़ा मिल ही जाएगा आपको। देखिए सारी चीज़ें मैंने ऊपर रख दी है, और टंकी में मतलब जो चीज़ें मैं ऊपर रख रही हूँ ना सब खाली हैं, वजन चीज़ें नहीं रखूँगी क्योंकि लोहे पर भी दबाव पड़ेगा ना, फिर अच्छा नहीं लगेगा। साफ़ कर लूँगी, और बक्से में आज कुछ ऊपर से उड़ा दूँगी जो छोटा वाला है, और इस बड़े वाले में तो नहीं उड़ाते हैं क्योंकि चूहे मेरे घर में ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मैं आपसे क्या हाल बताऊँ, मेरे फ्रिज का हाल इन चूहों ने ख़राब कर दिया। हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि आप कुछ दवा ले आइए उनको मारने के लिए, तो वो लाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, घर में चूहे मारने की दवा ही नहीं लाते। देखिए झाड़ू लगा के पोछा नहीं लगाए हूँ, अब पोछा लगाऊंगी, और इसे मैंने ढक दिया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अंदर पूरा पोछा लग गया है, वो रूम एकदम साफ़ हो गया है। दिवाली की पूजा उसी रूम में किया करती हूँ इसलिए उसको मैंने सबसे पहले ही साफ़ किया है, फिर इधर साफ़ कर लूँगी, और इधर काई अब ठीक हो जाएगी क्योंकि बारिश बंद हो गई है, मुझे लगता है कि अब शायद बारिश ना हो। और चलिए मिलाती हूँ आप लोगों को अपनी देवरानी के बच्चों से, बहुत ही क्यूट हैं ये, देखिए आप कहते थे ना कि मिलवाइए कभी, तो मिल लीजिए। तो देखा बच्चे को बोल रहा है कि ये मेरा घर है, मेरी मम्मा का घर है, तो मैं इसको बोलो नहीं ये मेरा घर है, सर तुम्हारा ही हो जाएगा तो मेरा भी कुछ बचेगा। ये हमारे पड़ोसी हैं, देवरानी लगती हैं, उनके बच्चे हैं, खेलने आए थे तो बस ऐसे ही मैंने शूट कर लिया। बहुत क्यूट बच्चा है, बहुत शरारती है, बहुत प्यारा है, किसी को मतलब शर्माता नहीं है, सबके पास जाता आता है, खेलता रहता है, अच्छा लगता है। पड़ोसी हैं हमारे, और देवरानी मेरी मैं अपनी सगी कहूँ तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दादा और चाचा के बहुएँ हैं, मेरी देवरानी लगती हैं। ज़्यादा आना जाना कहीं नहीं होता है, कभी जाऊँ तो मिलवाऊँ, और मैं सबको सोशल मीडिया पे लाना भी नहीं चाहती, मेरा काम सोशल मीडिया में है तो मैं ही कर रही हूँ, उन लोग को ज़रूरत नहीं है आने की, उनका खुद का मन होगा तो बात अलग है, मैं उनको ले आऊँ, नहीं मैं अपने ब्लॉग में उनको लाना बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ साड़ी कपड़े सब उठा लूँगी, फिर कपड़े मैंने एक बाल्टी फिर से भिगो के रखा है, उन्हें भी धुल लूँगी, क्योंकि कपड़ों का ना मेरे घर में भंडार लगा रहता है, पता नहीं क्यों, जब पहनते हैं बच्चे, मैं पहनती तो लगता है कुछ ना कुछ घट रहा है, लेकिन ऐसे कपड़े घर में इतने दिखेंगे कि लगता है कपड़े ही कपड़े घर में हैं, कुछ ऐसा हाल होता है। तो ड्रेस वगैरह भी बच्चों के भिगो के मैंने रखे थे, तो इनको धुल के डाल दूँगी। जो कपड़े कल मैंने धुले थे वो अभी पड़े थे, जो मैंने अभी आपके सामने हटाया, क्योंकि इवनिंग में कपड़े धुले ना जल्दी सूखते नहीं हैं। तो यही मेरा ब्लॉग था, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सब दिवाली की क्लीनिंग शुरू कर दिए हैं कि नहीं किए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितने लोग न्यू आते हैं मेरे चैनल में, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं इसी तरह मेहनत कर रही हूँ, आप सब प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरी वन फ्रेंड्स।